हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई, समय हो रहा है 6:54। उठ गए हैं आज बहुत जल्दी क्योंकि दिन में है बहुत सारे काम। पर अभी सुबह सुबह सबसे पहले करूँगा भाई मैं ब्लॉग एडिट, इसलिए इतनी अर्ली मॉर्निंग उठा हूँ। ब्लॉग एडिट करके कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद दूसरा कोई काम करूंगा। ब्लॉग एडिट करके अपलोड करके एक बहुत जरूरी काम में भाई मैं बैठ गया था, उसमें इतना ज़्यादा समय हो गया है कि अभी हो रहा है 12:30। मैं नहा धोकर हो गया हूँ तैयार और मुझे जाना है अर्जेंट बाहर, क्योंकि आज है हमारा भाई एक ब्लड डोनेशन कैंप। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। वो कैंप भाई समय पर बिल्कुल पहुंच जाए, तैयारी करवा लें, सबको जिम्मेदारी भाई हमारे पे है। तो मैं तो फटाफट तैयार हो गया हूँ, भाई साहब अभी तैयार हो रहे हैं और मम्मी जी ने बना दिया भाई गर्मा गर्म ओट। शानदार, ये देखो मस्त प्लेट में ओट दे दिए हैं मम्मी जी ने, और मम्मी जी बैठी है यहाँ पर, है ना। फटाफट नाश्ता फिनिश करते हैं भाई, उसके बाद बाहर निकलते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए हैं, हमें बहुत जल्दी में पहुँचना है। फाइनली दोनों भाई हो गए हैं तैयार और अब बस निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एक एक बूंद पानी गिरने लगा है, भारी वर्षा हो जाए उसके पहले अपन भाई स्पॉट पर पहुंच जाए, क्योंकि जाने में भाई 15 मिनट का समय लगेगा, हमें जाना है गोरखपुर में, ठीक है ना। तो फटाफट गेट खोलते भैया, गाड़ी निकालो, आ जाओ। हम पहुंच गए भाई ब्लड डोनेशन वाले स्पॉट पर और ये है बिल्कुल नया हॉस्पिटल और यहाँ हमारा होना है ब्लड डोनेशन कैंप। पूरे युवाओं की टीम भाई रक्तदान करेगी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। तो मैं अंदर लेके चलता हूँ और आपको पूरा स्पॉट दिखाता हूँ, बहुत शानदार हॉस्पिटल है भाई। सामने है रूम जहाँ हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होगा, अंदर हम लेके चलते हैं और ये देखो शानदार तरीके से पूरी तैयारी। यहाँ होना है हमारा ब्लड डोनेशन कैंप। ये पूरे बेड ऑलरेडी हॉस्पिटल के लगे हुए हैं, इससे अच्छी सुविधा तो हो नहीं सकती है, बहुत शानदार सुविधा। और ये भाई हमारी पूरी तैयारी खड़ी है, अमित भैया खड़े हैं, हमारे भाई लोग खड़े हैं और यहाँ बस इंतज़ार है 5 से 10 मिनट का हमारे डोनर्स का। हमारे युवा साथियों का भाई रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, भीड़ आप देख सकते हैं, ऐसी भीड़ आती जाएगी और ब्लड डोनेशन करती जाएगी। हमारा ब्लड डोनेशन कैंप भाई चालू हो चुका है और पहले डोनर है हमारे भाई और इनको निडल लगने वाली है, लगा रहे हैं हमारे रवि भैया, बहुत शानदार भैया, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना। स्टार्ट हो गया भाई, खून भगता हुआ देखो पैकेट में, इसको बोलते हैं स्पीयर होल्डर रक्तदान डोनर, है ना भैया। हर 3 महीने 4 महीने का डोनर है और हमेशा देते रहते हैं, बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। तालियों से स्वागत किया है हमारे पहले डोनर का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे दूसरे डोनर है भाई, इनको भी निडल लग चुकी है और इनका भी देखो खोलता हुआ रक्त नीचे पैकेट में एकत्रित हो रहा है। ये रक्तवीर योद्धा की पहचान होती है, उनका खून खोलता हुआ रहता है और हर 3 महीने 4 महीने का डोनर है। और हमारे सभी भाई लोग यहाँ देखो पूरे एकत्रित हो चुके हैं, हमारे कार्यक्रम में भाई माननीय मंत्री जी पधार चुके हैं, बहुत शानदार एंट्री और स्वागत में हम लोग खड़े हैं सभी लोग, ये देखिए बहुत बढ़िया। हमारा ब्लड डोनेशन कैंप भाई बहुत शानदार हो गया, बहुत ही मज़ेदार हो गया, बहुत अच्छा हो गया, जैसा हमने सोचा था सफलतापूर्वक औसा कैंप हो चुका है। और समय अभी हो रहा है 3:20, तब से कैंप चलते चलते भाई अभी तक कैंप खत्म हुआ है, अब भी 5 मिनट पहले टीम को हमने रवाना किया है, अब हम भी फुर्सत हो गए। अब बताओ भैया आगे का क्या कार्यक्रम है।
अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन चलते हैं नर्मदा मैया के दर्शन करने। नर्मदा मैया के दर्शन करने गौरी घाट, बहुत शानदार। मेरी भी इच्छा थी, माता ने बुलाया है तो हमें जाना पड़ेगा। चलो माता के दर्शन करके आते हैं, शनिवार का दिन है, उसके बाद बाकी कुछ करेंगे। और गजब की भीड़ होगी भाई, शनिवार के दिन गौरी घाट में पांव रखने की जगह नहीं होती। गुरुवार, बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार जिसको बोलते हैं, गुरुवार और शनिवार दो दिन बहुत भीड़ होती है। चलो, मेरे को दो दिन से इच्छा हो रही थी माई के दर्शन करने की, भाई साहब ने बोला है तो चलते सीधे दर्शन करते, उसके बाद कोई काम करेंगे। क्योंकि माई के पास जाओ ना तो सब टेंशन खत्म हो जाती है, उसके बाद बिल्कुल बॉडी रिफ्रेश होकर फिर धुआंधाम से काम करेंगे फटाफट फटाफट। ठीक है, तो यहाँ से सीधे गौरी घाट। भाई हम पहुंच गए गौरी घाट और क्या जब की मची है भसड़। ये देखो, हम लोग धीरे धीरे गाड़ी नीचे ले जा सकते हैं, है ना। गाड़ी जा रही है, टू व्हीलर जा तो रही है यार, धीरे धीरे ले लो। धीरे देखो भाई, मैं बोला था ना इतने टाइम बहुत भसड़ मची हुई है, पूरे ठेले टपरे से ऊपर आ गए क्योंकि नर्मदा जी थोड़ा सा उफान पे हैं। हम पहुंच गए भाई गौरी घाट और जल स्तर बढ़ा हुआ है। ये देखो नर्मदा जी के दर्शन शानदार। मैं इधर से रुको करवाता हूँ आराम से। ये देखो जल स्तर जो है ना, अभी हम लोग नीचे तक और जाते थे तो आधे से ऊपर लगभग लगभग जल स्तर बढ़ा हुआ है और शानदार नर्मदा जी के दर्शन हो रहा है भाई। नर्मदा माई के भाई बहुत शानदार दर्शन हो गया है, आचमन हो गया, माथे पे तिलक हो गया है, बहुत शानदार दर्शन हुए हैं। भीड़ जरूर ऊपर दिख रही थी कि बहुत ज्यादा है, पर हम धीरे धीरे मूतली लहराते हुए अंदर तक आ गए। तो बिल्कुल देखो आखिरी एंडिंग पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ से जल चालू होता है और बहुत शानदार दर्शन हमने पीछे तरफ किए, मस्त मजा आ गई भाई। नौका विहार अभी नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नहीं अभी नहीं। हाँ, अब अपन एक काम कर, थोड़ा सा नाश्ता करें और तुरंत ऑफिस चले क्योंकि ऑफिस में थोड़ा सा कुछ काम है। हाँ सही बात, वो करके फिर अपन घर चलेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हमारे पहले ऑफिस तो चलो दद्दा, उसके बाद पूरा दिन भर का टाइम शेड्यूल तय। नहीं नहीं, वहाँ जाके पता चलेगा कि कितनी देर अपना प्रवचन दे देते हैं, वहाँ डिसाइड होता कि समय कितना लगना है। ये भाई, बात सही है भाई। यहाँ से सीधे चलते हैं ऊपर, मस्त नाश्ते की दुकान है। माई के ते आओ तो कुछ खा पी के जाना चाहिए, ठीक है ना। अपन सीधे नाश्ते की दुकान में मिलते हैं। चलो पहुँच गए भाई हम नाश्ते की दुकान में और मैंने लिया दो समोसा, भाई साहब ने लिया आलू गंडा और समोसा। बिल्कुल गर्मा गर्म है, ऐसे ही खाने में मजा आता है, बिना चटनी के सूखे सूखे क्रंची क्रंची। तो फटाफट नाश्ता फिनिश करते हैं। पहुंच गए भाई ऑफिस, अंदर चलते हैं, अपना काम निपटाते हैं। और कितनी देर में फुर्सत होते हमें कुछ नहीं पता है, फुर्सत होकर फिर आपको ज्वाइन करते हैं आराम से टेंशन फ्री होके। ऑफिस के काम से हो गए फुर्सत, समय हो रहा है ठीक 5 बजे, अब जाके फुर्सत हुए हैं। अब बताओ भैया क्या प्लान है? यार एक काम, गलती हो गया, अपन ने बैग नहीं लाया, झोला नहीं लाया, तो यहीं से सब्जी खरीदते हो, सीधे घर चलते हैं। पहले यहाँ से घर चलते हैं, झोला उठाते हैं, सब्जी लाते हैं और फिर नहा धो के फिर आराम से खाना खा के घर पे फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ से सीधे घर, और घर के बाद फिर बाहर से आदेश में पता चलेगा कि उसके बाद करना क्या है, ठीक है ना। सही, यहाँ से सीधे घर चलते, उसके बीच में कुछ नहीं सोचते। घर आकर आराम से ठंडा पानी पीकर, पंखे की थोड़ी सी देर हवा खाकर, कुर्सी में थोड़ी पीठ सीधी कर भाई अब समय हुआ है 6:05, ठीक है। हाँ। अब चल रहे हैं अपन सब्जी भाजी लेने के लिए और प्रेस कपड़े डालने हैं। सबसे पहले कपड़ा प्रेस करने के लिए डालना है, फिर वहीं से चलना है सब्जी मंडी, फल सब्जी सब लेके वापस आना है। तो सबसे पहला काम तो भाई अभी का यही है भाई, दूध भी लेना है 2 लीटर, दूध भी लेना है क्योंकि कल मम्मी जी का उपवास भी है ना, फल भी लेना है। तो क्या उजेले उजेले जाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो बिल्कुल मौसम लेट हो रहा है, भीड़ मच जाएगी। हाँ आज वो है ना, क्या बोलते हैं, महालक्ष्मी व्रत है ना। अरे बहुत रोड पे भीड़ होगी भाई, ट्रैफिक भी बहुत तेज होगा। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। पहुंच गए भाई हम सब्जी मंडी और सबसे पहले ले रहे हैं फल। केला देखो कितना शानदार केला दिखा यार, केला देखो क्या मोटे मोटे तो केला और सेव यहाँ मिल जा रहा है। तो वो दूसरे मार्केट जाने की पलंजर हमारी खत्म हो जाएगी, सब काम यहीं से हो जाएगा। मम्मी ने बोला फल जरूर लेके आया, तो भाई केले बहुत टन्ना के मिले, एक नंबर के। ये देखो है ना क्या शानदार है। तो हमने केले ले लिए हैं, सेब अभी छांट रहे, उसके बाद अब सब्जी में उतरेंगे तो आराम से सब्जी लेंगे। ले टेस्ट भी कर लिए भाई साहब ने, बहुत बढ़िया। कैसा है? आहा, सुगर लेवल बढ़ जाएगा, सुबह तक और अच्छा हो जाएगा भाई साहब में। सुबह तक और गल जाए तो अच्छा, तक हल्का गला केला खाने में शानदार लगता है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। सब्जी की शॉपिंग भाई पूरी हो गई, फल खरीद लिए हमने, समय हो रहा है 7:10। भाई साहब देखो पूरा बैग जमा लिए हैं, थैला, ठीक है। अब ये सब ऊपर जो सामान देख रहे हैं ना, ये भी पूरा थैले में डालना है।
आज भाई थैला छोटा पड़ गया, सामान बहुत ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि हमने फूल भी खरीद लिए बहुत सारे, हमने फल भी खरीद लिए, सब्जी भी बहुत सारी खरीद ली, क्योंकि मार्केट में सब्जी बहुत शानदार आई है, तो बढ़िया पूरा थैला पैक करके ले चलते हैं। तो हम भाई साहब जमा लें, आराम से 5 मिनट सुस्ताते हैं, उसके बाद गाड़ी उठा के सीधे चलते हैं घर। आकर नहा धोकर हो गए फुर्सत और सीधे आ गए भाई किचन में। हमने दिन में लंच नहीं किया, सुबह ओट खा के गए थे, शाम को 2 समोसे खाए, उसके बीच में कुछ भी नहीं खाए, न घर आए तो खाए न बाहर कुछ खाए, भाई लंच हमारा हुआ ही नहीं। अब समय हो रहा है 8:15, अब भाई मैंने चावल का पोहा भुजवाया, ये दोस्त शानदार है ना, चावल रखे थे उसका चावल फ्राई कर लिए, पोहा आइटम बना लिए हैं, दोनों भाई हो गए हैं फिर से तैयार। समय हो रहा है 9:12, अब जा रहे हैं भाई अपने प्रेस वाले कपड़े उठाने के लिए, मार्केट से दूध लेने के लिए, और फल का ठेला खुला होगा तो अभी हमको एक फल और खरीदना है, तो वो ये 3 काम निपटाते हुए फिर आएंगे। भाई साहब तो बढ़िया टी शर्ट और शॉर्ट में जा रहे हैं ना, भाई मैं तो जाके अच्छा वाला थोड़ा सा आराम करने के मूड में था, जबरदस्ती पकड़ लाया मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है भाई, ये जबरदस्ती लेके जा रहा। मैंने बोला क्या है ना, काम निपट जाए तो टेंशन फ्री हो, फिर आराम से सोना, नींद तो मुझे भी आ रही है, चाय पीने के बाद बहुत शानदार नींद आ रही भाई, पर काम है तो उसको पूरा करना भी जरूरी है, जल्दी निपटा ले भाई फटाफट। चलो गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, फिर आके बढ़िया से आराम करेंगे। पहुंच गए भाई हम मार्केट, और आज हमें लेना है 2 पैकेट दूध है ना। सबसे पहले देखें दूध रखा कहाँ है, हाँ भाई रखा है, ये अपन ने ले लिया एक, भैया जरा उठाना मेरे भैया, जरा उठाना 2 पैक, हाँ ये वाला एक बचा, ये वाला 2 पैकेट अपने दूध हो गए भैया। आ गए भाई हम फल की दुकान पर, यहाँ से हम लेंगे फल। तो भाई पहुँच गए हम डाइक्रीन की दुकान पर, कपड़े उठा ले और सब काम से फुर्सत हो जाए। हम लोग बिल्कुल सही समय पर भाई घर आ गए हैं, आज पूजन हो रहा है जीव पुत्र का व्रत, जिसको जूतिया के नाम पर भी जाना जाता है। कल मात मम्मी जी पूरा निर्जला उपास रहेंगी 24 घंटे का, और एक दिन पूर्व संध्या को माता जी को भोग लगता है मीठी पूड़ी, जिसको रोट भी कहा जाता है। ये देखो इस प्रकार से पूजन होता है, ठेकुआ भी कहा जाता है भाई यूपी बिहार की भाषा में, ऐसे भोग लगता है माता रानी को मीठी पूड़ी का। और बाकी जब कल पूजन होगा ना, तो उसमें फल फूल मीठा सब कुछ चढ़ता है, तो वो कल शाम को होगा है ना मम्मी। और मम्मी जी कल आज रात के 12 बजे से लेके कल तक नीरा जल उपास रहेंगी भाई, एक बूंद पानी नहीं पिएंगी, और ये अपने संतान के लिए उपास रखा जाता है, बहुत ही कठिन उपास है भाई। मम्मी लोग उपास रहती हैं, हम बच्चों के लिए बहुत विकट उपास होता है, एक बूंद पानी ना पीना, वो भी इस गर्मी के उमस वाले मौसम में। जय हो माता रानी की कृपा बनी रहे, जय हो जूतिया माई की, जय हो जी पुत्र का माता की, जय। समय हो रहा है 11:10, हो गया है डिनर का टाइम, शानदार डिनर मेरा रेडी है भाई, बनी है देसी चने और आलू की शानदार सब्जी, और ये है मीठी पूड़ी जिसको रोट कहा जाता है, शानदार, यही हमारा बहुत बढ़िया डिनर है, मीठा मीठा रोट और नमकीन नमकीन सब्जी, आहा, अरे बहुत मजा जाएगा भाई। समय हो रहा है 1:45, कहा जाए रात हो गई है भाई, कहा जाए तो 1:45, अब आ रही भाई घनघोर नींद है ना, सीधे यहीं से पट पे सो जाएंगे भाई, मेरे को तो नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ वीडियो गेम खेल लूं एक। अरे आज 2 बजे भी नींद नहीं आ रही इनको यार, नहीं आ रही भाई, भाई मुझे पहले नहीं आती मेरे को, मुझे तो आ रही है, अब उड़ जाए दिन के कारण बात की बात है, पर अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ, ब्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते कल एक नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।